आप सब पत्रकार मित्रों के सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लेके आया हूं। यहाँ की गुजरात सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, पर बेटी के सम्मान की जब बात आती है तब शायद विधानसभा गृह हो या संसद गृह हो, दोनों गृह में झूठ बोल रही है। ये फिगर ऐसे हैं, एक तो फिगर ये है कि 10 मार्च 2022 के दिन गुजरात राज्य के गृह मंत्री और गुजरात राज्य का गृह विभाग, उन्होंने बताया था कि साल 2020-21 दो सालों में गुजरात राज्य में बलात्कार की 3796 घटना घटी है और गैंग रेप की 61 घटना, दुखद घटना गुजरात राज्य में घटी है। उसके बाद जब उसी प्रकार का सवाल केंद्र में एक सांसद द्वारा पूछा जाता है 20 दिसंबर 2022 को, तब केंद्र के गृह मंत्री जो गुजरात से ही आते हैं, वो मंत्री और गृह विभाग बताता है कि गुजरात राज्य में 2020 और 21 में 1075 रेप की घटनाएं घटी है और 35 गैंग रेप की घटनाएं घटी है। दोनों के फिगर में 2721 रेप की घटना का जिक्र कहीं पे कम दिखाया जा रहा है, कहीं पे ज्यादा दिखाया जा रहा है। जो सरकार डबल इंजन सरकार की बात करती है वो ये आंकड़े से पता चलता है, या तो गुजरात राज्य की सरकार का इंजन झूठ बोल रहा है या तो दिल्ली की सरकार का इंजन झूठ बोल रहा है। आज एक लोकतांत्रिक तरीके से एक नागरिक के तौर पे एक इंसान जो भारत का नागरिक है वो चाहेगा कि देश में विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं या लोकसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो भली भांति सत्य होंगे, पर ये जो आंकड़े का फेरबदल दिख रहा है, ये आंकड़े का घोटाला दिख रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि या तो गुजरात का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है या तो देश की केंद्र सरकार का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है। अगर सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए कि कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा था, कौन सा मंत्री आंकड़े छुपा रहा था। जो भी मंत्री आंकड़े छुपा रहा हो, झूठ बोल रहा हो, उसे नैतिकता के तौर पे, नैतिकता को ध्यान में रख के उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठी हुई पार्टी, वो भी उन्हें नैतिकता के दायरे में लेके उन्हें अपने पद से दूर करे, यही हमारी मांग है।